एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने बियर्ड में बहुत अच्छे स्कोर यानी कि अच्छे नंबर ला सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक जो कि शायद आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कुछ महीने बाद आप लोगों के बियर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट की इतने में कन्फ्यूजन होती है कि मैम हम लोग कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, एग्ज़ाम के कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे दीजिए जिससे कि हम लोग कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन करा सकें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, कौन सी बातों को आप लोग स्किप आउट कर सकते हैं और कौन सी बातों को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है और आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा। और बीएड से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट या क्वेरी है तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, ओनली टेक्स्ट अलाउड है। और आपने डाउट या क्वेरी पूछ लीजिएगा। और आप में से किसी को प्रेजेंटेशन बनवाने हैं या उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और रही आपके नोट्स की, तो वैसे तो मैराथन क्लासेस की पूरी आपकी प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पर रेडी कर रखी है, बट अगर आप लोग में से किसी को हिंदी इंग्लिश मीडियम में बी एड फर्स्ट या सेकेंड ईयर के नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे इस नंबर पर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस पर व्हाट्सअप करिएगा और अपने डाउट या क्वेरी पूछिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दोस्तों जो हम लोगों के बीएड के एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों ही में आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोगों को पता है कि बीएड में आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ती है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो फाइल्स में अपना ये बोल सकते हैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर देते हैं कि लाइक उसे डेकोरेट से लेके ए टू जेड। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि फाइल्स में आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल सा अपना प्रेजेंट यानी कि फाइल्स को रेडी कर सकते हैं जो भी आपको टॉपिक दिया है। फाइल्स को ज़्यादा सजाने से कुछ नहीं, क्योंकि जो भी आपके फाइल्स को चेक करते हैं वो नॉर्मली आपके फाइल्स को ऐसे चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बहुत सजा दिया तो आपको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे, आप नॉर्मल भी लिखेंगे जैसे कि फाइल्स आपको प्रैक्टिकल फाइल रेडी करनी है तो भी आपके नंबर उसमें अच्छे आ जाते हैं। आपको मेहनत करनी है तो आपको अपनी माइक्रो टीचिंग में, अपने लेसन्स प्लान में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपको इंटर्नशिप में, ये तीन चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एग्ज़ाम तो आपका इंपॉर्टेंट है बट अभी जो मैंने तीन चीज़ें बताई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि मैं तीनों यहाँ पर आपको लिख के दे दूँगी कि आपको लेसन्स प्लान, माइक्रो टीचिंग और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप जो कि बी एड सेकेंड ईयर में होती है। तो इन सबों में आपको अपने अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। फाइल्स में आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, आप नॉर्मली अपने फाइल्स को रेडी कर लीजिए जैसे कि आप लोग अपनी फाइल रेडी करते हैं। अब आते हैं दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों के फाइल्स के बाद यह है कि अब दूसरा कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा हो सके लिखें, क्योंकि बच्चों को इस बात की कन्फ्यूजन ज़रूर रहती है कि हम लोग एग्ज़ाम में कितना लिखें, कितना लिखें और कितना लिखें। दोस्तों लिखना आपको उतना ही है जितना आंसर में पूछा गया है, यानी क्वेश्चन जितना है उतना आंसर सफिशिएंट चाहिए, बट आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा ही लिखें। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने भी ऐसी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप लोगों को लॉन्ग में कितने पेजेस हैं, शॉर्ट में, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपने आंसर को अच्छे से अच्छा लिखें, चाहे आप लोग उसे कम पेज में लिखें बट अच्छा लिखें। उसमें भी कोई फ्यू आपको मैं यहाँ पे पॉइंट्स दूंगी, कुछ टिप्स भी दूंगी किस तरीके से आपको अपने आंसर शीट में इन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके आंसर शीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव भी लगेगी और आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे बहुत अच्छा शो होगा। तो अभी के लिए फिलहाल आपको आई होप अच्छे से कुछ बातें समझ आई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और भी हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में यानी कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो क्या वो देखते हैं कि बीएड के एग्ज़ाम में जो कॉपी बच्चों ने यहाँ पे लिखी है तो उसे किस तरीके से वहाँ पे बच्चों ने कितना अपना दिमाग लगाया है, क्या क्या प्रेजेंटेशन से मतलब उस आंसर को लिखा है, किन किन बातों का यहाँ पे बच्चों ने ध्यान रखा है। तो आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपको लगता है कि जो कॉपी है वो दूसरों से थोड़ी अलग होनी चाहिए। जैसे आप लोग कोई भी आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हेडिंग। हेडिंग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पहले हेडिंग लिखिएगा, लाइक आप एनपीसी बता रहे हैं या फिर आप लोग एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले आप आंसर लिखने के बाद वो हेडिंग डालिएगा।
दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर में डायग्राम का यूज़ करें, पाई चार्ट का यूज़ करें, टेबल का यूज़ करें, यानी कि जितने भी आप प्रकार बता रहे हैं उसके जो भी पॉइंट्स हैं उसे आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट, आप हो सके जितना ज़्यादा हो सके स्टार्टिंग में आंसर, जैसे लॉन्ग आंसर में आप लोगों को पूछा जाता है तो आप राइटर्स का नाम ज़रूर लिखिएगा। उसके लिखने से आपके आंसर में काफ़ी हद तक आपके प्रेजेंटेशन यानी जो आपने आंसर जो प्रेजेंट किया है वो बहुत अच्छे से वहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट है कि आप लोग जितना हो सके उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। आपके आंसर ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप लोगों ने बुक यहाँ पे रट के आए हैं कि आप लोगों ने कोई डेफिनेशन है। कोशिश कीजिए कि आप लोगों ने अगर राइटर का लिखने के बाद कि हाँ किसी राइटर ने अगर वो या फिर किसी भी फिलोसोफर ने वो बात लिखी है तो उसकी वो एग्जैक्ट कॉपी लिखी है उसको भी आप लोग बॉक्स में हाईलाइट करके या फिर लिख सकते हैं कि वो अलग से हाईलाइट होगा तो मैम या जो भी एग्जामिनर वो आंसर चेक करेगा तो उन्हें भी लगेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चे ने इसे कितने अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपको लैंग्वेज बाकी जो आप आंसर लिखेंगे तो कोशिश कीजिएगा जैसे आप एजुकेशन के बारे में नहीं एजुकेट तो आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, इससे आपको बीएड में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब आता है कि आपको स्टडी कैसे करनी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको स्टडी करने के लिए टेक्स्ट पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक एंड सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं आपको सजेस्ट जरूर करूँगी कि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर 2017 से लेकर 2021 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और 2017 से 2020 तक का वेरी शॉर्ट का आंसर भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो भी आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, नहीं तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आता है दूसरा, मैराथन क्लासेस भी अगर आप लोग देख लेंगे जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो भी आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके जितने भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी वीडियो में ऐसी कोई चीज़ रह गई हो जो इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है वो एग्जाम में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके एग्जाम से पहले वो पूरा कंटेंट आपके लिए वीडियो पर थ्रू आपके साथ वहाँ पे शेयर कर सकूँ। तो ये था कि आपको अपने एग्जाम में डायग्राम का बहुत ध्यान रखना है, हेडिंग्स का ध्यान रखना है, आपको वर्ड्स को हाईलाइट करना है, अगर किसी ने कोई वर्ड इंपॉर्टेंट बोला है तो उसे हाईलाइट ज़रूर करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर पहला क्वेश्चन खत्म करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो भी आपको 2-3 लाइन का गैप करना चाहिए जिससे कि आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, अब होता है कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये भी बताई है कि बीएड में आपको अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आपके बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी कि आपको गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बुक्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है, बट आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक लेना कौन सा अच्छा है उसकी भी वीडियो डाली है, यहाँ पे थंबनेल लगा दूंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक कौन सा सबसे अच्छा रहेगा। तो इस तरीके का ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, तो अभी से आप लोग अपने नोट्स बनाना रेडी कर लीजिए। इससे आप लोगों का बस इतना फ़ायदा होगा कि आप लोगों को एग्जाम में ये पता होगा कि आपको अपने आंसर को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से लिखना है। लाइक अगर आप लोगों का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हेडिंग कैसे लिखनी है और किस तरीके से स्टार्टिंग करना है, कैसा पैराग्राफ है, कब डायग्राम लाना है, कब क्या चीज़ लाना है। अगर इससे भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कि मैम एक सिंगल वीडियो आप इस पर बना दीजिए कि हम नोट्स कैसे बनाएं तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी एक छोटी सी कन्फ्यूजन जो कि बच्चों को बहुत होती है, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए छोटी सी वीडियो शेयर की जाए। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस एक मोटिवेशन होता है कि हमें इतने स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ बेहतर लेके आना चाहिए जिससे कि बच्चों की हम लोग या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स की हम लोग हेल्प कर पाए। तो ये थे कुछ डाउट एंड क्वेरी जो कि मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कुछ महीनों से बट मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं ला पा रही थी। तो अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम से पहले आपको चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।